महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने खाद की समस्या, विद्युत विभाग की अवैध वसूली और अतिवृष्टि के मुआवजे की मांग को लेकर 7 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। इस यात्रा में किसान बैलगाड़ी को लेकर शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बुंदेलखंड किसान यूनियन ने नकली खाद में अधिकारियों से संलिप्त होने के भी गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान किसानों ने सड़क पर बैठकर धरना भी दिया। प्रमुख रूप से इस समय खाद की समस्या को लेकर और जो नकली खाद का पूरा रैकेट चल रहा है महोबा जिले में, इसको लेकर और इसमें तमाम अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आज हम लोगों ने किसान पदयात्रा सुबिरा से कुल पहाड़ तक आंदोलन किया। और हमारी मांग है कि किसानों की जो तमाम समस्याएं अतिवृष्टि में और जो मुआवजे का बीमा का खेल चल रहा है, प्रशासन के अधिकारी मिले हुए हैं, किसानों को बीमा का लाभ मिलना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।